Hey guys, welcome on this channel, Learn with Fun Biology. So guys, आज का वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत स्पेशल है. सो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपको बहुत सारे टिप्स आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं. सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो मैं आज आपके साथ आइडिया डिस्कस करने वाली हूँ, दिस इज नॉट माई आइडिया. दिस आइडिया फ्रॉम द यूट्यूब चैनल सिविल विंग्स. अगर आप फॉलो करते हैं उन्हें, दैट आप जानते होंगे कि वो कौन है एंड उनके क्या स्ट्रैटेजीज हैं, वो हमें क्या क्या चीज़ें बताते हैं. बट अगर आप नहीं जानते हैं तो आप भी उन्हें जाके फॉलो कर सकते हैं. बट मैं आज उनके आइडिया के कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ और फॉर मोर डिटेल्स आप उनकी वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा. मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइज, आप में से सबका एक क्वेश्चन रहता है ना कि कैसे पढ़ें, कैसे आपको चीज़ें जल्दी याद हो जाएं और कैसे आप हमेशा उन्हें याद रखें, ठीक है. इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ गुड लर्नर, दैन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइज, आप सब ने रेंचो का नाम सुना होगा ना, रेंचो, आमिर खान, थ्री इडियट, सबको याद है ना. सो गाइज, आज रेंचो के तरीके से, मतलब रेंचो इज़ एक ट्रिक है, सो रेंचो के तरीके से आज हम पढ़ने की जो टिप्स होती है वो जानेंगे. सो गाइज, सबसे पहले रेंचो में क्या आता है, आर. सो आर से है रीड. जब भी आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, सबसे पहले उसे एक बार रीड करो, उस चैप्टर को एक बार रीड करो कि उस चैप्टर में बेसिकली है क्या. सो आपको ये समझ में आ जाए कि इस चैप्टर के अंदर ये दिया हुआ है, ठीक है. एक बार समझ में आ गया. सेकेंड क्या आता है, ए. ए मीन्स एनालाइज. एनालाइज की अब उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या आपको याद रखनी है, क्या नहीं रखनी है. सो एनालाइज कि आपका इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है. सो क्या हो गया, सबसे पहले आपने रीड किया, फिर एनालाइज, एंड देन आफ्टर इज नोट मेकिंग. एन से क्या है, नोट मेकिंग. हम हमेशा क्या करते हैं, हम रीड करते हैं और नोट्स बनाते रहते हैं, बट दैट्स नॉट अ परफेक्ट आइडिया. सबसे पहले रीड करो, फिर फाइंड आउट कि क्या स्पेशल है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ज़रूरी है आपके लिए, उसको एनालाइज करो. आफ्टर दैट नोट्स बनाओ, ठीक है. तो एन से क्या हो गया, नोट मेकिंग. आफ्टर दैट सी. सी से है क्रिटिकली एग्जामिन. नाउ एग्जामिन करो, क्रिटिकली समझने की कोशिश करो कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है एक एग्जामिनर, ठीक है. सो आप अपने क्वेश्चंस को बना सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो. अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, तो इफ़ यू आर नीट स्टूडेंट, तो आपको पता होगा कि MCQs आते हैं, ठीक है. तो फाइंड आउट करो कि इससे क्या MCQ बन सकता है, ठीक है. सो इस तरीके से क्रिटिकली जो है वो एग्जामिन करने की कोशिश करो और एक एग्जामिनर के व्यू से, एक एग्जामिनर के नज़रिए से समझने की कोशिश करो, ठीक है. आफ्टर दैट क्या आता है, एच. एच से है हेल्पिंग अदर्स, मतलब कि दूसरों को भी पढ़ाओ. अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है तो ये मत सोचो कि मैंने पढ़ लिया, मैं अपने तक रखूंगा ना. आप किसी दूसरे को, अपने किसी फ्रेंड को, अगर कोई भी है जो आपसे इस टॉपिक को पूछ रहा है, या फिर अगर आप कहीं भी खाली बैठे हो तो आप उसको पढ़ा सकते हो ईजिली. सो उसका फ़ायदा हो या ना हो, बट आपका ज़रूर हो जाएगा, ठीक है. तो अगर आप ये सोचो कि आप किसी और का फ़ायदा ना करवाओ, तो पता है क्या होगा, आप ही खुद अपना घाटे में जाओगे, ठीक है. उसको याद रखना है, वो याद रखे, अच्छी बात है. अगर उसको याद नहीं रखना है तो वो ना रखे, बट इससे आपका जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से और कवर हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा, ठीक है. तो आपका एक बहुत इजीली रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके एक्सप्लेन करने से जो दूसरा इंसान है वो सेटिस्फाई है कि हाँ ठीक है, इसने बिल्कुल सही समझाया, दैट मीन्स कि आपको भी समझ में आ गया टॉपिक, इसलिए आप अच्छे से किसी को समझा पाए हो, ठीक है. सो हेल्पिंग अदर्स. आफ्टर दैट लास्ट वन इज अ ओ. ओ मीन्स ऑप्टिमाइजिंग. ऑप्टिमाइजिंग मीन्स मेक माइक्रो नोट्स. माइक्रो नोट्स मतलब कि आपने जो मेन थ्योरी थ्योरी का पार्ट था वो कवर कर लिया, आपने एक नोट्स बना लिए, बट अब आप उसमें कुछ ट्रिक्स डाल सकते हो, कुछ उसे स्टोरी से क्रिएट कर सकते हो. जैसे कि जब भी आपको रिवीजन कर रहा हो उस टॉपिक का, तो आपको वो सारा पूरा RANCH वो सब ना करना पड़े, सीधे आप ओ पे आ जाओ, अपने माइक्रो नोट से पढ़ाई कर सको. सो गाइस, ये छोटा सा वीडियो मैंने आप सबके लिए बनाया था, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आप कैसे इफेक्टिवली पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है आपके नीट के एग्ज़ाम में. सो इतने कम टाइम में आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना है, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए अपने एग्ज़ाम की. और गाइज, अगर आप ऐसे और वीडियोज़ चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर वॉचिंग सो मेनी मोर वीडियोज़ लाइक दिस. मेरे चैनल पर अभी तक 500+ वीडियोज़ अवेलेबल हैं, सो इन सारे वीडियोज़ को
देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट्स, अगर आपने 12th में बायो ली है, सो दैट मींस आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोस मिलते हैं। पता नहीं क्या 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 मैं आपके साथ वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ। तो अगर आप वो सारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो बेल आइकन होता है उस जरूर क्लिक करें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।